तो अप्रैल मंथ ख़त्म हो गया है, एंड अप्रैल मंथ ख़त्म होने के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अप्रैल मंथ में देखने को मिली। जैसे हमें दिलजीत दोसांझ हमें कोचेला इवेंट में देखने को मिले, जो कि फर्स्ट इंडियन है जो वहाँ तक पहुँच पाए, एंड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सियाँ भी हुई, एंड बीफ देखने को मिली, एंड हमें सिद्धू पाजी का न्यू ट्रैक देखने को भी मिला इस अप्रैल मंथ में। एंड कर्मा ने अपना कलमकार लीव करने के बाद पहला ट्रैक रिलीज़ किया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस अप्रैल मंथ में बहुत और क्या क्या चीज़ें हुई जो कि आपने मिस कर दी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है, जो कि जो अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक होता है उसमें कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता है। एंड 7 अप्रैल जो डेट है बहुत अच्छी होती है हिप हॉप के लिए, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग या फर्स्ट ट्रैक कह लो रिलीज़ होता है बाय सिद्धू मूसे वाला। मेरा ना हर पासे हर और यही नहीं, सिद्धू मूसे वाला पाजी का ये ट्रैक रिलीज़ तो होता है और ये सारे ट्रैक तोड़ देता है विद इन अ 16 मिनट। ये 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लेता है एंड मोस्ट व्यूड की लिस्ट में नंबर 4 या नंबर 3 पे आ जाता है, एंड विद इन अ 24 आवर्स ये बिलबोर्ड पे भी आ जाता है। एंड सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ और 3 सॉन्ग रिलीज हुए थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो सबसे पहले डीनो जेम्स का बॉयफ्रेंड पार्ट 1 रिलीज हुआ था, जो कि बहुत अच्छा स्टोरी बेस्ड सॉन्ग था। इसमें पर्सपेक्टिव दिखाया गया एक बॉयफ्रेंड का कि वो क्या सोचता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। एंड सीधे मौत का ताकत सॉन्ग रिलीज हुआ, ताकत 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 शौहरत एंड और आफत माल और कविता बंद और प्रॉफिट प्यार और परिवार संग, व्हिच इज आल्सो ग्रेट सॉन्ग। अगर आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ देखनी है तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा है। एंड कलमकार लीव करने के बाद कर्मा ने अपने ऑफिशियल चैनल से अपना एक ट्रैक रिलीज किया विद अ म्यूजिक वीडियो जिसका नाम था एयरप्लेन मोड। काम है 34 के डील्स हैं, 35 तो क्यों रखूं 36 का आंकड़ा 2 नंबर लोगों से। एंड ये सॉन्ग में बहुत सारे स्पार्कल थे जो कि आगे बीफ का एक कॉज बनेंगे, तो आगे आप देखना कि आगे क्या हुआ है। एंड हनी सिंह पाजी एंड लियो ग्रेवाल हमें एक बार दोबारा एक ही फ्रेम में देखने को मिले थे इन द सॉन्ग कांट फाइंड मी। ओदी सारियां चावां ते दिल दी सदावां ते मंगी दुआवां ते मारा मैं कैची चलदे आ सावां ते। एंड पैंथर का सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ एक ट्रैक देखने को मिला था, कमर्शियल ट्रैक एंड सैड सॉन्ग था जिसका नाम था दर्द दिल। तो पैराडॉक्स की अननोन ईपी का सेकंड ट्रैक हमें देखने को मिला जिसका नाम था हस्ती रहे तू। तो हनी 3.0 का हमें फर्स्ट सॉन्ग देखने को मिला जिसका नाम था नागन। तो अभी तक 15 डेज बीत गए थे एंड दिलजीत दोसांझ हमें कोचिला इवेंट में स्पॉट करते हुए दिखे। उन्होंने वहाँ पर प्रॉपरली परफॉर्म किया जो कि इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थे जो कि कोचिला इवेंट तक पहुँच पाए। एंड एमवे बंटाए का ट्रैक रिलीज हुआ छोड़ डाला। दिल मेरा दुख रहा था, सोच रहा था क्या कर रहा मैं, पर लगता था यही छे लाइफ, नशे में था कैसे करता डिसाइड। एंड जो मैंने कहा था कि एयरप्लेन मोड में बहुत सारे स्पार्कल है, वो स्पार्कल अब निकलेंगे। तो रमजान होने के वजह से यंग गालिब ने डिस्ट्रैक रिलीज नहीं करा, तो रमजान खत्म होने के बाद डायरेक्टली उसके एक दिन बाद ही यंग गालिब एक ट्रैक रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है बीस्ट मोड, जो कि फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक होता है कर्मा के लिए एंड कलमकार के लिए। नहीं था क्या स्किल्स पे, पहले भी लिया था मैं तेरी ड्रिल पे, ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे, कर्म का फल ये खाना तो छिल के हुड में जब आएगा। फिर ये यहाँ से ये बीफ स्टार्ट हो जाती है एंड ये बैक टू बैक चलती रहती है एंड डिस्ट्रैक शेयर होती रहती है और ये बीफ 4 दिन चलती है। उसके बाद ये डिस्ट्रैक बैटल ख़त्म हो जाता है, दोनों आर्टिस्टों को फ़ायदा होता है एंड कर्मा अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं एंड बंटा रिकॉर्ड्स अपने 500K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस बीफ हमें बेला की एक एल्बम देखने को मिलती है जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन, जो कि डेफ जैम इंडिया के साथ रिलीज हुई थी।
बेला के ऑफिशियल चैनल पे। मैं सुनता ट्रैविस स्कॉट दारू पी के बब्बू मान कर दूं गलियां जाम हूं मैं शाहरुख खान जाने फॉर मैनेजर की बहुत मस्त एल्बम थी। एंड हमें राजा कुमारी की तरफ से एक एल्बम देखने को मिलती है जिसका नाम द ब्रिज है, जो कि स्पॉटिफाई पे आपको देखने को मिल जाएगी एंड राजा कुमारी के ऑफिशियल चैनल पे। एंड नेजी की न्यू ईपी ड्रॉप हुई थी जिसका नाम था एपोकैलिप्स। एंड हमें कलमिंग का न्यू ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम है काली रात। एंड GD47 का माइक नाल सॉन्ग देखने को मिलता है हमें। करण औजला की जो कंट्रोवर्सी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि पूरी प्रॉपरली बेसलेस थी, जिसमें करण औजला को डिफेम करने के लिए जानबूझ के उसमें घुसेड़ा जा रहा है, उसका रिप्लाई करते हुए करण औजला एक सॉन्ग ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था POV पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत अच्छा सॉन्ग था। एंड करण औजला ने उस सॉन्ग से बहुत लोगों को जवाब दिया है। किसी को जवाब नहीं, हर एक को सवाल, दुनिया कमाला कमाला कमाला। इस सॉन्ग की मुझे एक स्पेशल बात लगी कि करण औजला ने अपनी आर्ट को चुना एंड अपनी आर्ट से सबको जवाब दिया। एंड सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ रफ्तार का एक सॉन्ग देखने को मिला जो कि कमर्शियल सॉन्ग है जिसका नाम है फ़ोन मिला के। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मैंने कोई सॉन्ग मिस कर दिया होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।